पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। बता दें, क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंडिया ने ब्रिटेन को पेनाल्टी शूट आउट 2-4-2 से हरा दिया। फुल टाइम मैच में दोनों टीमों का स्कोर 1-1 से बराबर था। शूट आउट में भारत ने लगातार 4 गोल किए, ब्रिटेन की टीम सिर्फ 2 गोल कर पाई। वहीं भारतीय गोलकीपर सृजेश जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 2 गोल बचाकर भारतीय टीम की यह जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि टीम सिर्फ 10 खिलाड़ियों से खेली जा रही थी। 60 मिनट के खेल में 48 मिनट भारतीय डिफेंडर अमित रोहिदास मैच से बाहर रहे। उन्हें रेफरी ने 12वें मिनट में रेड कार्ड दिया था। हालांकि रेफरी का यह फैसला विवादों में आ गया है। पूर्व भारतीय ओलंपियन जुगराज सिंह ने कहा कि यह फाउल के लिए येलो कार्ड देना काफी था। मैच जब देखने बैठे थे तो खाली भोलेनाथ का नाम मन में जप रहे थे, यही जप रहे थे कि जीते इंडिया, जीते इंडिया, जीते इंडिया, जीते इंडिया। जब गोल बराबरी हो गई, फिर भी मन में शिव का नाम हम नेला नहीं भूले थे, काशी विश्वनाथ, इंडिया मेरा जीते, मेरे बच्चे सारे जीते। इतनी मेहनत कर रहे थे, मन में खुशी की बहुत आंसू थी। जब मैच ड्रॉ हो गया, फिर भी वही थी कि नहीं भोलेनाथ, आज इंडिया को जीतना ही है, जीतना ही है। और जब शूट आउट में मैच पहुंचा, जब जीते तो बहुत 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 खुशी है। हे काशी विश्वनाथ, भोलेनाथ, इसी तरह फाइनल तक अपना आशीर्वाद इन लोग पर बनाए रखें। सारे 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 बच्चों के लिए हमारी दुआ है, मेरे भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ, इसी तरह हर प्लेयर पर अपना आशीर्वाद बनाए रहे। और उन लोग क्वार्टर सेमीफाइनल तक पहुंचे, फाइनल तक पहने और मेडल लेके आए। जी हाँ, अभी तो हम परसों बात किए थे बच्चे से, बोले थे कि हरमन से बोलना कि वो मेडल हमको चाहिए आँख से देखने के लिए, हमको गोल्ड मेडल वो लाके दे।